आंखें थोड़ी खुले, उस दृष्टि से मैंने कुछ दस्तावेज इकट्ठे करना शुरू किया। और मेरे गुरु धर्मपाल जी ने एक दिन मुझे कहा कि देखो, अगर भारतवासी नालायक होते, निकम्मे होते, नकारा होते, कामचोर होते, इनमें कोई गुण ही नहीं होता, तो हजारों लाखों साल से ये भारत देश चल कैसे गया होता। आप जानते हैं भारत कितना पुराना? नहीं मालूम, कम से कम 1 करोड़ वर्ष की बात कही जाती है। दुनिया के एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशल साइंटिस्ट भारत के बारे में अब ये मानने लगे हैं कि ये देश हजारों नहीं, लाखों नहीं, कुछ करोड़ वर्ष पुराना है। और कुछ करोड़ वर्ष की जब हम गिनती करते हैं तो भारत में गिनती वहां से शुरू होती है जिस व्यक्ति के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, भरत। और भरत का जन्म आज से 8 करोड़ कुछ लाख वर्ष पहले हुआ। आज का नहीं है भरत, 2-5 हजार साल का नहीं। और ये पुराने शास्त्र जो हमारे हैं, जहां पर ये कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन लगभग 8.5 करोड़ साल के आसपास बैठता है। इतना पुराना देश। तो एक दिन मेरे गुरु ने कहा कि सोचो, जरा कल्पना करो, भारत की कहानी पुराने शास्त्रों में भगवान आदिनाथ से शुरू है, जैन समाज के जो सबसे पहले तीर्थांकर हुए उनके समय से शुरू है। अब वो सारे के सारे दस्तावेजों को दुनिया के सामने जब रखते हैं तो वो ना तो उनको स्वीकार करते हैं ना नकार पाते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये गलत है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें ये समझने में तकलीफ होती है कि कोई देश करोड़ों साल से कैसे जिंदा रह सकता है। कारण क्या है? अमरीका 250 साल पुराना है, ब्रिटेन मुश्किल से 2000 साल पुराना है, फ्रांस लगभग 2500 साल पुराना है, जर्मनी लगभग 3000 साल पुराना है, और इनमें सबसे पुराना देश जो माना जाता है ना, वो इटली है, वो करीब 4500 साल पुराना है। इटली के पहले कोई देश नहीं था। और ये इटली वही देश है जिसको पुराने जमाने में रोम कहा जाता था। तो रोम के समय से वो गिनते हैं कि हमारे यहां तो यहां से शुरुआत हुई है। तो उनके यहां अधिक से अधिक पुराना देश कोई है तो वो 5000 साल मान सकते हैं, भारत करोड़ साल के ज्यादा है। तो वो कंपैरिजन करते हैं तो ये मानते नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि इनको नकार भी नहीं सकते, क्योंकि भारत में 8.5 करोड़ साल पहले के बहुत सारे प्रमाण और चिन्ह ऐसे मिलते हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि ये देश पहले था। तो इतना पुराना देश बिना साइंस और टेक्नोलॉजी के कैसे चल गया, बिना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कैसे चल गया, बिना किसी न्याय व्यवस्था के कैसे चला, बिना किसी चिकित्सा व्यवस्था के कैसे चला, ये तो एकदम असंभव है। और अगर आप भारत को थोड़ा ठीक से जाने और घूमे भारत में, तो किसी भी गांव में चले जाइए, छोटे से छोटे गांव में, उस गांव का इतिहास कम से कम आपको 1000 साल पुराना मिल जाएगा। मैंने हिंदुस्तान में 10,000 गांव देखे हैं पिछले 15 साल में, कोई भी गांव 500 साल से कम पुराना नहीं है। 500 साल तो मिनिमम एज है उनकी। और वो अपनी एज कैसे गिनते हैं? उन सभी गांवों में कोई ना कोई ऐसा मंदिर है जिसको बनाने की डेट उस पर लिखी हुई है। और मंदिर तभी बनता है जब कोई बस्ती बस जाती है। कोई खाली स्थान में मंदिर नहीं बना करते। जहां मनुष्यों की बस्तियां होती हैं, मनुष्यों के गांव बस जाते हैं, वहीं मंदिर बना करते हैं। तो इन सभी गांवों में जो मैंने देखे हैं 10,000 गांव, वो सभी गांवों में कोई मंदिर है, कोई देवालय है, भले वो टूटा हुआ है, भले कुछ खंड खंड है, लेकिन उसमें कोई प्रस्तर लगा है, पत्थर लगा है, उसमें लिखा हुआ है कि ये मंदिर इस साल में बनाया गया। और वो लिखा है उनकी स्थानीय भाषा में। जैसे तमिलनाडु में आप देखो तो तमिल में लिखा है, कर्नाटक में देखो तो कन्नड़ में लिखा है, गुजरात में जाओ तो गुजराती में लिखा है, महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी में लिखा है। तो वो कहते हैं कि ये मंदिर इतना पुराना तो हमारा गांव भी उतना पुराना। और कुछ कुछ गांव में मैं जाता हूं तो वो तो ये कहते हैं कि यहां पर भीम आए थे और उनका पैर बना है, देख लो आ जाओ। हां, और आप उनसे बहस कर लो, आप हार जाओगे। वो कहते हैं यहां भीम आए थे, भीम का पांव इतना बड़ा है, देखो उनकी गदा यहां रखी थी, वो पत्थर आज भी बताता है कि यहां भीम का पांव है। कुछ कुछ गांव कहते हैं अर्जुन घूमते घूमते यहां आ गए थे एक बार, जब वो अज्ञातवास्त में थे। पांडव यहां आए थे, उन्होंने इस गुफा में रहने का 20 दिन 25 दिन कार्यक्रम किया था।
तो अब ये अर्जुन हैं, पांडव हैं, भीम हैं, ये तो आज के नहीं है, ये तो लगभग 5000 साल पुराने हैं। माने कई गांव ऐसे हैं जो 5000 साल पुराने हैं। तो इतना पुराना देश जहां पर कोई व्यवस्था नहीं हो तो कैसे चलता है? आप जरा अपने घर के बारे में कल्पना करो, आपका घर अगर पुराना होता जाए तो उसको टिकाए रखने के लिए कुछ करना पड़ता है, उसकी डेंटिंग पेंटिंग कुछ ना कुछ करनी पड़ती है, उसकी सारी व्यवस्थाएं ठीक रखनी पड़ती है, तब जाके घर ज्यादा दिन तक टिकता है। अगर हम घर की देखभाल करना बंद कर दें तो घर बहुत दिनों में खंडर हो जाएगा। ऐसे ही देश की देखभाल अगर नहीं हो तो देश भी खंडर हो जाएगा। लेकिन यहां देखभाल हुई होगी तो इतने सालों से यह देश चल रहा। भारत में बहुत सारे गांव हैं जिनके नाम महाभारत की कहानियों में गिने जाते हैं, सुने जाते हैं, सुनाए जाते हैं। बहुत सारे गांव, उनके नाम बिल्कुल स्पष्ट, और उन गांव में रहने वाली जातियों के नाम महाभारत की कथाओं में कहे जाते हैं, सुने जाते हैं। तो ये कोई झूठ मूठ तो हो नहीं सकता। और अभी दुनिया के आधुनिकतम विज्ञान के केंद्र नासा ने स्वीकार किया है कि ये जो महाभारत कभी हुआ वो कल्पना नहीं है, वो सच्चाई है। और अभी नासा ने कुछ फोटोग्राफ्स रिलीज किए हैं जो ये बताते हैं कि कभी कुरुक्षेत्र हुआ करता था जहां पर इस तरह के युद्ध हुए हैं। और उसी नासा ने अभी कुछ फोटोग्राफ्स निकाले हैं जो सैटेलाइट की मदद से लिए गए हैं कि भगवान श्री राम के जमाने का बनाया हुआ पुल जिसका नाम है सेतु समुद्रम, वो आज भी जीवित है मद्रास से 40 नॉटिकल माइल की दूरी पर। और वो पुल शुरू हुआ है भारत से और गया है श्रीलंका तक। तो हमने तो पढ़ी है कहानी कि रामचंद्र जी ने पुल बनाया था, उसमें नल और नील दो बड़े कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हुआ करते थे, सिविल कंस्ट्रक्शन का जिनको बहुत नॉलेज था उन्होंने वो पुल खड़ा किया था। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? अब मैं नल और नील को कंस्ट्रक्शन इंजीनियर इसलिए कह रहा हूं कि आपको जल्दी समझ में आए। अगर उस जमाने का शब्द इस्तेमाल करूंगा तो आप ढूंढेंगे ये मतलब क्या है इसका। तो नल और नील ने वो पुल बना दिया था, और वो पुल का डेटिंग अभी हुआ है, नासा ने डेटिंग किया है, कार्बन डेटिंग आप सब समझते हैं, तो 5,13,000 कुछ सौ साल पुराना वो पुल है और अभी भी सुरक्षित है। बस इतना ही है कि पहले वो समुद्र के ऊपर होता था, अब नीचे चला गया। नीचे कैसे चला गया? अब पिछले 5,13,000 साल में कितनी सुनामी आए होंगे। एक सुनामी तो हमने देखा अपनी आंखों के सामने जिसमें 20-20 मंजिल की बिल्डिंग पानी में चली गई, तो हजारों सुनामी आए होंगे, उससे पानी में चला गया लेकिन टूटा नहीं है, क्रैक भी नहीं हुआ है। उसके सारे फोटोग्राफ्स बताते हैं कि वो पूरा का पूरा सुरक्षित है। अब शुरू होती है हमारी बात कि अगर 5,13,000 साल पहले बनाया गया कोई पुल आज भी सुरक्षित है तो कोई तो टेक्नोलॉजी रही होगी उस पुल को बनाने की, ऐसे ही तो नहीं बन गया। मैंने हमारे कुछ दोस्तों से कहा कि भाई नासा के पास इसके बारे में जितनी जानकारी है वो सब भेजो। कुछ हिंदुस्तानी हैं जो नासा में काम करते हैं, जब नासा ने पहली बार ये फोटोग्राफ्स रिलीज किए ना तो सबसे पहले यूरोप के कुछ जर्नल्स में छपे, फिर बाद में न्यूज़पेपर में छपे, बाद में हिंदुस्तान के भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में छपे। मैंने वो मंगाए तो अब नासा के वैज्ञानिक यहां तक कहते हैं कि ये पुल ना सिर्फ सुरक्षित है बल्कि इसकी डिजाइन भी पूरी सुरक्षित है। और इसका अध्ययन करने से पता चलता है कि भारत में आज से 5,13,000 साल पहले की टेक्नोलॉजी क्या थी। वो पुल पता है कैसा है? उसकी सबसे बड़ी विशेषता है वो पत्थर से बना हुआ है, ईंट का इस्तेमाल उसमें नहीं है। और भारत में आज से लाखों साल पहले पत्थर ही इस्तेमाल होते थे, ये ईंट बनना तो पिछले 1,500-2,000 साल में आया, उसके पहले पत्थर ही होते थे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उन पत्थरों को जोड़ने के लिए बीच में कुछ मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, वो आज भी सुरक्षित है। आप जानते हैं आधुनिक विज्ञान ने एक टेक्नोलॉजी लाई है जिसको सीमेंट कहते हैं। सीमेंट की मैक्सिमम लाइफ कितनी है? कितनी है? 2500 साल मैक्सिमम, 100 ईयर्स। दुनिया के सीमेंट तकनीकी में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक कहते हैं कि सीमेंट की अधिकतम जिंदगी 100 साल है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक तो यहां तक कहते हैं कि अधिकतम जिंदगी की परिभाषा क्या? अधिकतम जिंदगी की परिभाषा अगर हम ये माने कि जब तक ये खंड खंड ना टूटे तब तक
या हम यहीं से मानना शुरू कर दें कि बनने के कितने दिन बाद क्रैक्स आ जाते हैं। अगर वो कहते हैं कि भाई बनने के कितने दिन बाद क्रैक्स आ जाते हैं, यहां से शुरू करें, तब तो सीमेंट की जिंदगी 5 साल भी नहीं है। अच्छी से अच्छी बिल्डिंग को देख लेना, आज बनी है, साल भर बाद उसमें क्रैक्स दिखाई दे जाएंगे। तो कई वैज्ञानिक तो कहते हैं कि अगर क्रैक्स को हम आधार बनाएं, तब तो ये 5 साल की जिंदगी भी नहीं है सीमेंट की, लेकिन पूरी बिल्डिंग खंड खंड टूट जाए तो 100 साल है। तो हम मान लें कि 5 साल से लेकर 100 साल है। अच्छा, अब दूसरी बात बताता हूं। आपने कभी भारत का कोई किला देखा, फोर्ट? राजस्थान में तो आप हैं, यहां 2-3 किले बड़े मशहूर हैं। आमेर का एक किला है जयपुर में, जोधपुर का एक किला है, जैसलमेर का है, चित्तौड़गढ़ का है। ये सब किलों में आप जानते हैं सीमेंट लगा है? नहीं, चूना लगा है। चूना की मैक्सिमम लाइफ मालूम है कितनी? अगर वो 5 साल और 100 साल की कहानी कहें सीमेंट के बारे में कि क्रैक्स पड़ना शुरू हो वहां से जोड़ें तो 5 साल और खंड खंड टूटे तो 100 साल, अगर चूने को ऐसा कहना शुरू करें तो चूने की मिनिमम लाइफ 500 साल है और मैक्सिमम लाइफ 2 से 2500 साल। भारत के जितने भी किले हैं ना, आमेर में देखो या चित्तौड़गढ़ में या दक्षिण में चले जाओ या पश्चिम भारत में, बहुत सारे किले 250-300 साल से लेकर 1000-1200 साल पुराने। और इनमें दीवारों में क्रैक्स नहीं है, पत्थर उखड़कर गिर जाएगा, क्रैक नहीं आएगा कभी। मतलब क्या है? मतलब यह है कि चूने की टेक्नोलॉजी सीमेंट से कुछ ऊंची तो है। और आप जानते हैं सीमेंट और चूने का रॉ मटेरियल एक ही है, ये मालूम है ना? दोनों का रॉ मटेरियल एक ही है, इसका माने बनाने की जो तकनीक है उसमें कुछ अंतर है। सीमेंट उसी रॉ मटेरियल से बनता है जिससे चूना बनता है, बस अंतर इतना है कि सीमेंट यूरोप में बना है, चूना भारत में बना है। चूना 500 साल तो कम से कम जिंदा रहता है, 2500 साल तो अधिकतम जिंदा रहता है, सीमेंट तो 100 साल से भी कम समय तक ही जिंदा रहता है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी ऊंची है, चूने की कि सीमेंट की? अब आप ये कहेंगे कि अगर ये चूने की टेक्नोलॉजी बहुत ऊंची है तो हम घर क्यों नहीं बनाते इससे? ये प्रश्न आएगा कि नहीं मन में? हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि हम चूने से ही घर बनाया करते थे आज से 150 साल पहले तक। जितने घर आप देखो ना भारत में पुराने 150 साल 200 साल, वो चूने से ही बने हैं। हम 150 साल पहले तक सभी भारतवासी चूने से ही घर बनाते थे, और जो भारतवासी थोड़े गरीब होते थे वो मिट्टी से घर बनाते थे। और अभी भी कुछ भारतवासी गिने चुने हैं जो चूने से बनाते हैं, लेकिन मेजोरिटी में आज सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। पिछले 150 साल में हुआ ये कि जो देश में चूना बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई हजारों साल में, अंग्रेजों ने उस टेक्नोलॉजी को बैन किया था। और इस देश में पता है अंग्रेजों ने क्या किया था? 1850 के आसपास एक कानून बना दिया था कि चूने का काम करना गैर कानूनी है और सीमेंट से घर बनाना कानूनी है। तो हुआ ये कि जो लोग चूने से घर बनाए, अंग्रेज सरकार जेल में डालती थी उनको, उनके घर तोड़ दिए जाते थे, बुलडोजर लाला के उनके घर पर चला दिए जाते थे। जो सीमेंट से बनाए उनका एप्रिशिएशन होता था। कारण क्या था? अंग्रेजों को अपनी कंपनियों का सीमेंट बिकवाना था इस देश में और चूने की इंडस्ट्री को खत्म करना था। आप जानते हैं कि चूना और सीमेंट का रॉ मटेरियल एक ही है, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि यहां से जो चूने का रॉ मटेरियल है वो सब शिप्स में भर भर के इंग्लैंड भेजना शुरू किया, वहां से वो सीमेंट बन के भारत में आना शुरू हुआ। हमको चूना मिलता नहीं था घर में बनाने के लिए, सीमेंट आसानी से उन्होंने उपलब्ध करा दिया। तो भारत में पहले चूना बनाने के छोटे छोटे केंद्र होते थे, छोटे छोटे, लगभग हर गांव में एक, कभी कभी 2 गांव के बीच में एक। चूने बनाने के केंद्र आपने कभी देखे हो तो उसमें कोई बड़ी भारी मशीन नहीं लगती है, एक छोटा सा खड्डा खोदा जाता है सर्कुलर, कुछ करीब करीब 5-6 फीट गहरा होता है, और एक मोटा सा पत्थर का पहिया बनाया जाता है। उस पहिए के नीचे चूने का जो रॉ मटेरियल है, सोप माने सॉरी स्टोन,
जिस स्टोन से चूना बनता है जिसको लाइम स्टोन कहते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उस सर्कुलर शेप की जो खाई है ना ट्रेंच, उसमें डाल देते हैं। उसके ऊपर वो पत्थर घुमाया जाता है और इसके ऊपर बीच बीच में दूध डाला जाता है। दूध, आप सोचो हमारे हिंदुस्तान में दूध डाल के चूना तैयार होता था। माने दूध हम सिर्फ पीते नहीं थे, दूध से चूना भी बनाते। इसका मतलब यह है कि दूध बहुत होता होगा। क्या मतलब हुआ? चूने में दूध डाल रहे हैं पानी की जगह, इसका मतलब यह है कि दूध बहुत होता होगा। तो हमने सुना है कि इस देश में दूध दही की नदियां बहती थी, तो नदियों में पानी की जगह दूध नहीं बहता था, दूध का उत्पादन बहुत होता था। और वो दूध इतना होता होगा कि पीते पीते बच गया तो हम उससे नहाते भी थे। आपने सुना है इस देश में कहते हैं दूधो नहाओ, कभी ये सुना है लक्स नहाओ पूतो फल, या किसी से सुना है पियर्स नहाओ पूतो फलो, या जॉनसन एंड जॉनसन बेबी सोप नहाओ पूतो फलो। हर बार हम यही कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो, तो लोग नहाते होंगे दूध से, नहीं तो ये आई कैसे कहावत। और उसका प्रमाण आज भी दिखाई देता है कि हम शंकर भगवान को तो महाशिवरात्रि पर दूध से ही नहलाते हैं, या साबुन लगाते हैं, दूध से नहलाते हैं कि ना। तो शंकर जी भी दूध से नहाते हैं, भक्त भी नहाते होंगे। तो दूध बहुत था, उपयोग करने के बाद बचता होगा तो चूना बनाने में इस्तेमाल होता था। और चूने को बनाने में बस इतना सा ही लगता है, एक सर्कुलर, वो मैंने कहा ना ट्रेंच, एक पत्थर का पहिया और उसको चलाने के लिए बैल, बस इतना ही लगता है। और रॉ मटेरियल लाइम स्टोन, थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के डाल दिया, दूध डालते डालते पीसते गए, दूध डालते गए पीसते गए, दूध डालते गए, 25-30 दिन में वो तैयार होता है। फिर उसको जब कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करो तो उसमें जो बॉन्डिंग फोर्स है वो इतना ताकतवर है कि 2,500 साल तक उसे कोई हिला नहीं सकता। ये है भारत की टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी को अंग्रेजों ने किया क्या, कानून बनाकर पाबंदी लगा दिया। तो 150 साल में ये चूने के जितने भी केंद्र थे सब धीरे धीरे बंद हो गए और उनके स्थान पर अंग्रेजों ने सीमेंट के कारखाने को शुरू कर दिए, जो चालू हो गए, जो आज भी इस देश में सीमेंट बना रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं। अब सीमेंट बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई भी गांव में सीमेंट नहीं बन सकता, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी के लिए सबसे पहले चाहिए एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन हाईएस्ट है सीमेंट में। बिजली चाहिए, बिजली, बिजली तो थी नहीं, तो चूना बनाने में तो बिजली की जरूरत नहीं। तो हिंदुस्तानियों ने दिमाग लगा के ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जो बिना बिजली के चल जाए, और ये यूरोप के मूर्ख लोगों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जो बिना बिजली के हिलती भी नहीं, चलना का तो दूर की बात है। तो भारत में हर गांव में चूने के केंद्र बन सके क्योंकि बिजली की जरूरत नहीं, और यूरोप में हर गांव में बिजली नहीं तो सीमेंट नहीं, यहां भी हर गांव में बिजली नहीं तो सीमेंट नहीं, तो सीमेंट वहीं बन सकता है जहां बिजली हो, और बिजली हो तो थोड़ी बहुत नहीं हो, ज्यादा हो। 240 वोल्ट की बिजली से सीमेंट नहीं बनता, बिजली बनाने के लिए कम से कम 11,000 वोल्ट लगता है, सॉरी सीमेंट बनाने के लिए कम से कम 11,000 वोल्ट की बिजली लगती है। तो 11,000 वोल्ट की बिजली बनाने के लिए बड़ा पावर स्टेशन लगता है, और बड़ा पावर स्टेशन बनाने के लिए या तो कोयला लगता है या तो पानी लगता है, और कोयला और पानी जिन गांव में मिले वहीं बन सकती है, बाकी किसी गांव में तो संभव नहीं है। और जो कोयला और पानी का इस्तेमाल करके बिजली बनाओ तो कोयला जमीन से खोद कर निकालना पड़ेगा, पानी भी आपको जमीन से निकालना पड़ेगा, नहीं तो तालाबों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत दिन जमीन के नीचे से कोयला खोदते चले जाएं तो स्पेस बन जाएगा, उसी स्पेस में भूकंप आएंगे, धरती कंप आएंगे, सुनामी भी आएगा। ये है टेक्नोलॉजी यूरोप की, हमारे यहां ये टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हुई। क्यों? क्योंकि हम होशियार थे, इंटेलिजेंट थे, हमको मालूम है कि जमीन के नीचे कोयला है, लेकिन उस कोयले को खोद कर निकालेंगे तो जमीन खाली हो जाएगी, खाली जमीन निरापद नहीं होती,
कभी भी अर्थक्वेक आएंगे, ट्रेमर्स आएंगे तो वह डर डरा के चली जाएगी। तो यूरोप और यूरोप के नागरिकों ने या उनके वैज्ञानिकों ने बिना सोचे समझे कोयला खोद खोद के तो निकाल के फेंक दिया, अब उन खदानों को भरने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्हीं स्थानों पर सबसे ज्यादा भूकंप आ रहे हैं और अब हजारों लोग मर रहे हैं। तो देखो कैसी सुंदर टेक्नोलॉजी है, सीमेंट चाहिए तो बिजली चाहिए, बिजली चाहिए तो कोयला निकालना है, कोयले के साथ पानी भी चाहिए, पानी हमको पीने के लिए और खेती के लिए चाहिए, वो कहते नहीं पहले बिजली के लिए चाहिए, तो पानी इकट्ठा करना है तो डैम चाहिए, डैम बड़े बड़े बनाने हैं तो पैसा चाहिए, और वो डैम क्रैक्स हो जाए तो बाढ़ ही बाढ़, फंस गए ना। इससे अच्छी तो अपनी टेक्नोलॉजी थी कि हमको क्या चाहिए, सोप स्टोन चाहिए, हर गांव में उपलब्ध है, दूध चाहिए, दूध कहीं खोदकर निकालना नहीं पड़ता, निकालना पड़ता है दूध तो पृथ्वी के ऊपर ही उपलब्ध है, जानवर हैं तो दूध है, उनको घास खिलानी पड़ती है वो भरपूर दूध दे देते हैं, और घास को हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं। इस देश में अद्भुत मशीनें हैं जो वेस्ट खाकर दूध दे देती है कि नहीं, गाय भैंस बकरी वेस्ट खाती है, आप खा सकते हो घास, आप मानते हो ये वेस्ट है, वो वेस्ट को ही खाती है और बेस्ट क्वालिटी दूध दे देती है। वो दूध आप पीते हो, विटामिन ए मिलता है, विटामिन सी मिलता है, ताकत आती है, वो दूध अगर पत्थर में डाल दो तो और ताकत बढ़ा देता है पत्थर की, और वो पत्थर से पत्थर को चिपका दो बीच में रख के तो 500 साल टूटता नहीं। ये है टेक्नोलॉजी। अब जरा सोचो और विचार करो कौन सी टेक्नोलॉजी बेहतर है, दूध और पत्थर का इस्तेमाल करके चूना बनाने वाले, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या है कि आप प्रकृति का नेचर का कोई भी नुकसान नहीं करते। और ये जो सीमेंट बनाने वाली टेक्नोलॉजी है इसमें हर समय प्रकृति का नुकसान करते हैं, उसके खिलाफ काम करते हैं। आज की सारी दुनिया परेशान है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, माने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई है, उसके दुष्परिणाम बढ़ रहे। तो भारत में जो टेक्नोलॉजी आई वो इस तरह की कि जो प्रकृति को ध्यान में रख के काम करे, यूरोप में जो टेक्नोलॉजी आई वो इस तरह की जो प्रकृति का नाश करे और काम करे। प्रकृति का नाश करके काम करने वाली टेक्नोलॉजी 100-200 साल से ज्यादा नहीं चलती, और प्रकृति का साथ देकर चलने वाली टेक्नोलॉजी हजारों साल चलती, उसी को सस्टेनेबल कहते हैं। तो भारत में जो टेक्नोलॉजी बनी वो सस्टेनेबल है, प्रकृति के साथ चलने वाली है, लेकिन उसकी स्पीड कम है। जानते हैं क्यों है? क्योंकि नेचर की स्पीड भी कम है। आप सुनते हैं पृथ्वी घूमती रहती है, क्या स्पीड है? अगर जेट की तुलना करें, जेट प्लेन का पहिया घूमता है रनवे पर टेक ऑफ करने से पहले, उसके साथ पृथ्वी के घूमने की तुलना करें, स्पीड किसकी ज्यादा है? जेट के पहिए की। हमने स्पीड नहीं बढ़ाई क्योंकि पृथ्वी की स्पीड ज्यादा नहीं है। हमने इस बात का ध्यान रखा कि पहिया बनाओ तो सही लेकिन कम स्पीड में चलने वाला। आपको मालूम है दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेंशन है वो पहिया है। ये पहिया बना तो बहुत सारी मशीनें बनी हैं दुनिया में, जो पहिया नहीं होता तो दुनिया में कोई मशीन नहीं थी, और पहिए का आविष्कार भारत में हुआ है, यूरोप में नहीं हुआ है कहीं। यूरोप के वैज्ञानिकों ने यह मान लिया है कि हमारे यहां तो पहिया 250 साल से आया, लेकिन भारत में तो पहिया तब से है जब से भारत है। आपने वो देखा है अशोक चक्र, वो पहिया ही है, और अशोक के समय से है, और अशोक आज का नहीं है, आज से लगभग 2500 साल पहले का है राजा। और भगवान कृष्ण के हाथ में भी पहिया ही है जिसको सुदर्शन चक्र कहते हैं, वो तो 5000 साल पुराना है। और विष्णु जी के हाथ में भी पहिया ही है, विष्णु जी कृष्ण से और 5 लाख साल पहले के हैं। माने पहिए का आविष्कार इसी देश का है, लेकिन हमने क्या किया है, पहिए में स्पीड ना आए ज्यादा तो उस पहिए से बैलगाड़ी बनाई, और यूरोप ने उसी पहिए से जेट प्लेन बनाए। अब हमने क्या कहना शुरू किया, देखो जी वो तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने पहिए को हवाई जहाज में लगाया, हवाई जहाज उड़ाया,
और हम इतने मूर्ख हैं कि पहियों को बैलगाड़ी में बनाया, वो धीरे धीरे चलती रहती। एक बार मैंने ये बात समझने के लिए बैलगाड़ी चलाने वाले एक किसान को पूछा कि भाई आप इस बैलगाड़ी में चलते हो, मुश्किल से 15 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से ये चलती है, आपका काम बहुत देरी से होता है, आप ऐसा करो ये बैल को हटा दो, ट्रैक्टर लगा लो, या तो कुछ और कर लो, पहिया आपका मशीन से चले वो अच्छा होगा। तो उस किसान ने मुझे पूछना शुरू किया कि मान लो मैं ऐसा करूं कि मेरा पहिया तेज चले तो मेरी गाड़ी तेज चले तो होगा क्या इससे। मैंने कहा आप जल्दी जल्दी सामान लाएंगे ले जाएंगे, तो फिर कहने लगा और क्या होगा फिर उससे। तो मैंने कहा आपको बहुत पैसा मिलेगा, अभी आप बैलगाड़ी में 1 टन माल भर के सवेरे निकलते हो, शाम को बाजार में पहुंचते हो, फिर वापस उसी दिन आते हो, अगर आपके पास पहिया मशीन से चलने वाला हो गया तो दिन में 50 चक्कर लगा सकते हो, ज्यादा माल बेच के ज्यादा पैसा ला सकते हो। फिर उसने कहा ज्यादा पैसा लाएंगे तो क्या होगा। मैंने कहा ज्यादा पैसा लाओ तो घर में मजा करने की चीजें खरीदो, टीवी खरीदो, फ्रिज खरीदो, वॉशिंग मशीन खरीदो, इलेक्ट्रॉनिक ओवन खरीदो, और ये सब खरीद खरीद के पैसा खर्च करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे बिस्तर पे सो, तो फिर क्या होगा। उसने पूछा, फिर मैंने कहा आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तो उसने कहा अभी भी मुझे सुख और शांति ही मिली हुई है, आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं, आप जाइए। उसने कहा कि आपको नहीं समझ में आता मैं कितने सुख और शांति में हूं, आराम से जा रहा हूं, बैल के गले में घंटी है, इसका संगीत सुनता हुआ जा रहा हूं, भगवान का भजन करता हुआ जा रहा हूं, सवेरे से घर से निकला हूं, शाम को पहुंच जाऊंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैंने पूछा भाई क्यों जल्दी नहीं है, तो उसने कहा मेरा अगला जन्म भी है, फिर उसका अगला जन्म भी है, और 84 लाख बार मुझे भारत में पैदा होना है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, हर काम मैं आराम से करूंगा। उस दिन मेरे समझ में आया यूरोप को बहुत जल्दी है, अमेरिका को बहुत जल्दी है, पता है क्यों, क्योंकि उनके यहां दूसरा जन्म नहीं होता। आपको मालूम है क्रिश्चियनिटी में रीबर्थ नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता, इस्लाम में भी नहीं होता। क्रिश्चियनिटी की जो सबसे पुरानी किताब है ना ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें पुनर्जन्म नहीं होता। तो जिन सभ्यताओं में पुनर्जन्म नहीं होगा वहां हर चीज की जल्दी है, क्योंकि एक ही जीवन मिला है, जितना करना है एक ही जीवन में करना है, मजा लेना है तो एक ही जीवन है, मार खानी है तो एक ही जीवन है, सुख लेना है तो एक ही जीवन है, समृद्धि लेनी है तो एक ही जीवन है, यहां तो बार बार का जीवन है, इसलिए हर चीज यहां धीमी है। और इससे भी ज्यादा गहरी बात करता हूं आपसे, भारत देश की जलवायु और यूरोप और अमेरिका की जलवायु बहुत अंतर है। आप जानते हैं यूरोप और अमेरिका बहुत ठंडा है, और यूरोप और अमेरिका में दो ही मौसम होते हैं, ठंडा और भयंकर ठंडा, तीसरा कोई मौसम नहीं है उनके पास, एक तो ठंडा और एक भयंकर ठंडा। भयंकर ठंडा तब होता है जब तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो भयंकर ठंडा, और ठंडा तब होता है जब तापमान -4 डिग्री या शून्य या शून्य के ऊपर 4 डिग्री ये तापमान। तो एक तो ठंडा एक भयंकर ठंडा, गर्मी नहीं होती वहां और बारिश होने का चांस नहीं है। क्यों? यूरोप में जब बहुत ठंडा तापमान होना तो वो 1-2 महीने नहीं होता, 6-6 महीने होता है, 6-6 महीने -40 डिग्री, क्या होगा फिर, बर्फ गिरती रहती है, बारिश की जगह बर्फ गिरती है, वहां पानी की बूंदें नहीं गिरती, बर्फ के गोले गिरते हैं, और वो बर्फ गिरते 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 सब जगह छा जाती है, मैदानों में बर्फ, खेतों में बर्फ, खलियानों में बर्फ, सड़क पर बर्फ, छत पर बर्फ, गाड़ियों पर बर्फ, और इतनी बर्फ जमा होती है कि गाड़ी नीचे बर्फ ऊपर, गाड़ी के इंजन खराब हो जाते हैं क्योंकि इतनी ठंडी बर्फ में इंजन भी काम नहीं करते। तो उनके यहां बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, और जहां ज्यादा बर्फ गिरेगी वहां सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, मौसम ऐसा होगा जिसमें सूर्य निकले ही नहीं, और जहां सूर्य का प्रकाश नहीं होगा वहां समुद्र के पानी में वेपराइजेशन नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा, और जहां वाष्पीकरण नहीं होगा वहां बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बरसेंगे क्या, इसलिए वहां बारिश भी नहीं होती। कभी कभी बारिश होती है गलती से, वो भी बर्फ के पिघलने के कारण, प्रकृति चक्र से नहीं होती। तो वहां एक ही मौसम ठंडा और भयंकर ठंडा, बारिश है नहीं, गर्मी पड़ती नहीं। तो उन देशों में क्या होता है
कि अगर बहुत ठंडी वाले इलाके में आप रहना शुरू कर दें तो शरीर भी ठंडा होने लगता है। आप कभी एक छोटा एक्सपेरिमेंट करना, मैंने किया था एक बार, अपने चारों तरफ बर्फ लगा लेना, बर्फ की सिल्लियां आती हैं ना, और उसके बीच में बैठ जाना। हाँ, 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। सारे जो घुटने हैं ना जड़ हो जाएंगे, कंधे जड़ हो जाएंगे, उंगलियां इतनी स्टिफ हो जाएंगी कि ये भी नहीं कर पाए, हाथ को घुमा ना सके, बर्फ चारों तरफ हो और आपको